500 और 2000 के नए नोटों से घबराया पाकिस्तान। पांच सौ और 2000 के नए नोटों से थर्राया दाऊ। डॉन की नोट फैक्ट्री का नया गेम। भारत के खिलाफ दाऊद का प्लान 100। पहले पीओके में घुसकर पाकिस्तान के आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक और अब काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक। हिंदुस्तान के इस दोहरे वार ने पाकिस्तान और भारत के खिलाफ उसका साथ देने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की कमर तोड़ दी है। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान और दाऊद अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने के बाद अब दाऊद ने भारत के खिलाफ बनाया है एक नया प्लान। आइए आपको दिखाते हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का वो नया प्लान क्या है। पाकिस्तान में छिपकर अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम ने भारत के खिलाफ कई बार साजिश रची, लेकिन वो आज तक पकड़ा नहीं गया। पाकिस्तान उसे बचाता रहा और पाकिस्तान की गोद में बैठकर दाऊद अपने काले पैसे के दम पर काले कारोबार को अंजाम देता रहा। भारत की अर्थव्यवस्था में सेंध लगाने के लिए वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत में जाली नोटों का नेटवर्क फैलाता रहा। लेकिन 8 नवंबर की रात 12 बजे भारत सरकार ने बिना बम और बारूद के देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद और पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचाई है जिसने उनके होश उड़ा दिए हैं। 500 और 1000 के पुराने नोटों पर बैन लगते ही दाऊद का करोड़ों का ब्लैक मनी रद्दी के कागज में तब्दील हो गया। जाली भारतीय करेंसी छापने वाली पाकिस्तान की नोट फैक्ट्री बेकार हो गई। इधर भारत में 500 और 2000 के नए नोटों के आने और पुराने नोटों में बैन लगा, और उधर पाकिस्तान और उसकी गोद में बैठे दाऊद के मंसूबों पर पानी फिर गया। वो इसलिए क्योंकि एक ओर तो दाऊद का ब्लैक मनी किसी काम का नहीं रहा, वहीं दूसरी ओर 500 और 2000 के नए नोटों में छिपे सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से उसके लिए नए नोटों के जाली नोट बनाना भी नामुमकिन है। और इसी वजह से पाकिस्तान घबराया हुआ है और भारत के खिलाफ उसका मोहरा बना डॉन थर्राया हुआ है। 500 और 2000 के नए नोटों से घबराया पाकिस्तान। भारत में 500 और 1000 के पुराने नोटों के बंद होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर पाकिस्तान और दाऊद की सेंध लगाने की ख्वाहिशों को तगड़ा झटका लगा है। बिना बम और बारूद के ये पाकिस्तान और डॉन पर ऐसा वार था जिसने उनके मंसूबों को गहरी चोट पहुंचाई है, और इसीलिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान और उसकी गोद में बैठा दाऊद अपनी नोट फैक्ट्री के लिए नए गेम की तैयारी कर रहे हैं। दाऊद की नोट फैक्ट्री में छपेंगे 100 के जाली नोट। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि भारत में जाली नोटों का नेटवर्क चलाने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद अब अपनी नोट फैक्ट्री में 100 रुपए के जाली नोट छापने की तैयारी कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इस बार आए 500 और 2000 के नए नोटों की नकल करना पाकिस्तान और दाऊद के लिए न सिर्फ आसान नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन है। खुफिया एजेंसियों के एक आला अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पिछले 6 महीनों से खुफिया रूप से छप रहे नोटों की जांच की है।
मैं इस बात का खुलासा तो नहीं कर सकता कि नए नोटों में कितने सिक्योरिटी फीचर्स हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उनकी नकल बनाना मुश्किल है। खुफिया एजेंसियों ने सरकार और रिजर्व बैंक को पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि पाकिस्तान ने पेशावर में एक खास छापाखाना तैयार कर रखा है, जहां सिर्फ नकली भारतीय मुद्रा छापी जाती है। इसमें छापे जाने वाले ज्यादातर नोट 500 और 1000 रुपए के मूल्य के होते हैं। ये प्रेस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की निगरानी में काम करती है। ISI दाऊद इब्राहिम, लश्कर ए तैयबा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के जरिए ये नकली मुद्रा भारत में पहुंचाती है, लेकिन काले धन पर हुई इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और डॉन दाऊद इब्राहिम को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब करें तो क्या करें। सच्ची घटना के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 1000 और 500 के नोटों पर कमीशन का खेल। कितना लेंगे? 5%। 1000-1000 के दो नोट दें, उसका 5% लेंगे। नोट के बदले सिक्के। 5% लगा लो ना। नहीं तो कितने तक के सिक्के दे देंगे? कितने तक के हैं आपके पास? एक के हैं, दो के हैं, अभी फिलहाल 10 के, 5 के कम पड़ रहे हैं। धड़ल्ले से चल रहा है गोरख धंधा। और कितने रुपए तक का दे देंगे? कितने हजार तक का? जितने हजार तक ले सकते हो आप। समय सीमित है, 2 दिन के लिए। नोटों के बाद सिक्कों का स्टिंग ऑपरेशन। आप कैसे कराएंगे फिर उसे? सब अब हम कैसे कराएं? हम उसको ऐसा ही रखें, इसके जिम्मेवारी आपकी नहीं। वो तो कूड़ा हो जाएगा ना, वो हमारे कूड़े हैं, कूड़े के लिए हम ले रहे हैं ना, उसके क्या चिंता। कुछ तो फायदा होगा, फायदा कुछ नहीं। कैमरे में कैद ब्लैक डील। 1000 और 500 रुपए के नोट बैन हो चुके हैं, लेकिन नोट बंद होने के बाद कुछ लोगों ने एक नया गोरख धंधा शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि 1000 और 500 के नोट लाओ, बदले में सिक्के ले जाओ। जी हाँ, 1000 और 500 रुपए के नोटों को 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्कों से बदला जा रहा है। लाखों रुपए भी हो तो हाथों हाथ डील हो जाती है। ये सारा गोरख धंधा 5% की कमीशन खोरी पर चल रहा है। खुफिया कैमरे में कैद ये तस्वीरें दिल्ली के पॉश इलाके लाजपत नगर की हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स लाजपत नगर पार्ट 2 में एक छोटी सी दुकान चलाता है, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है मानो जैसे कोई धन्ना सेठ हो। 1000 और 500 रुपए के बंद हो चुके नोटों की डील का अंदाज ऐसा जैसे घर में ही टकसाल लगा रखी हो। कितना लेंगे? 5% किसका? 100 रुपए 5 रुपया। 100 रुपए 5 रुपया, 2 के 1 के। अगर हम 2000 का आपको 1000-1000 के दो नोट दें, हाँ, तो उसका 5% लेंगे, हाँ, तो उसके बदले सिक्के देंगे। सिक्के देंगे जो हमारे पास है भाई। नोट के बात नहीं कर रहा हूँ, सिक्के की बात कर रहा हूँ। सिक्के है, सिक्के दूंगा। तो सिक्के कहाँ से आए आपके पास इतने? अरे अब ये कहाँ से आए? रोजगार है। मंदिर अंदर से है कहीं? हाँ। कहाँ मंदिर से? अब कहाँ से? सदर बाजार। सदर बाजार का दिया जी वीर। तो कितने तक के दे देंगे? कितने तक के दे देंगे? 5% लगा लो ना। 2000? नहीं तो कितने तक के सिक्के दे देंगे? कितने तक के हैं आपके पास? 1 के हैं, 2 के हैं, अभी फिलहाल 10 के, 5 के कम पड़ रहे हैं। और कितने रुपए तक का दे देंगे? कितने हजार तक का? सर जी, जितने हजार तक ले सकते हो आप। कितने हजार तक लोगे? मतलब मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा सर जी। समय सीमित है, 2 दिन के लिए, 2 दिन की छुट्टियां है, 2 दिन के लिए। तो सुना आपने, ये शख्स कैसे डंके की चोट पर कह रहा है कि 1000 और 500 रुपए के कितने भी नोट ले आओ, उनके बदले जितने मर्जी सिक्के ले जाओ, लेकिन शर्त यह है कि पूरे सौदे में इसे 5% कमीशन देना होगा। तो फिर आप कैसे? अच्छा, आप कैसे कराएंगे फिर उसे? अच्छा, वो सब अब हम कैसे कराएं? हम उसको ऐसा ही रखें, इसके जिम्मेवारी आपकी नहीं है। अब ये सामान दे दिए, अब इसको चीनी ले जाके हम कुछ भी करें, इनका जिम्मेवारी नहीं है ना। ये तो दे दिए, इन्होंने पैसा ले लिया, बात करता वैसा ही हम क्या करेंगे? आप पैसा लोगे? आप तो कूड़ा हो जाएगा ना, वो हमारे कूड़े हैं, कूड़े के लिए हम ले रहे हैं ना, उसके क्या? कुछ तो फायदा होगा, फायदा कुछ नहीं है। किन्नी का वो वाटर टैंक वाला ना, पानी की रोजगार है, ठीक ना? तो सिक्के वाले डालते हैं ना, तो 1 रुपये डालते हैं तो 1 लीटर क्या पानी निकलता था, जिसे स्टेशनों पर लगा है। 10 रुपये डालो तो 1 लीटर निकलते थे पानी। हाँ ठीक है, वही वाला मशीन लगा हुआ है नोएडा में।
तो वहाँ से पैसे हम लोग लाए। अभी तो आप मंदिर बोल रहे थे, अब जो समझो आप मंदिर बोलो। तो बंद हो चुके नोटों को आखिर सिक्कों के साथ अदला बदली करने के पीछे क्या गोरख धंधा है, इस सच से पर्दा उठाने के लिए हमारे रिपोर्टर ने इस कमीशन खोर से कई सवाल किए, लेकिन वो हर सवाल का गोल मोल जवाब दे रहा था। हम अगर आपको 2000 दे देते हैं, मान लीजिए चलिए आपने हमारे 5 में दे दिया, ठीक है, हमारा 1000 नोट आपने काम में लगा दिया, लेकिन वो आप कैसे यूज करेंगे? वो तो बंद हो गया। हम यूज कैसे करेंगे, नहीं करेंगे वो हम जानेंगे ना, जो सीक्रेट है हम अपना खुद जाने झेलेंगे। आपको चाहिए तो बताओ, नहीं चाहिए तो कैसे कैसे कॉन्टेक्ट करें आपसे? कैसे अभी चाहिए यही हाथों हाथ लग, अभी तो नहीं लेकिन मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं कॉल कर दूंगा कल सुबह। फिर हमारे पास होगा ना, आज के 10 तक हम मार्केट में घूम रहे हैं, फिर उसके बाद हम। अरे तो अगर नहीं होगा तो हम कल फोन करके पूछ लेंगे ना आपसे, ठीक है? लिखो नंबर बताइए। लाख कोशिशों के बाद भी उसने अपने बिजनेस सीक्रेट से पर्दा नहीं उठाया। हाँ, अपना फोन नंबर हमारे रिपोर्टर को जरूर दे दिया, इस वादे के साथ कि चाहे आधी रात को 1000 और 500 के लाखों रुपए के नोट लेकर आ जाना, हाथों हाथ उन नोटों के बदले सिक्के दे देगा। सच्ची घटना में आज बस इतना ही, मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़।